मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन लावाड़ी से बैग से बरामद हुई भारी मात्रा में शराब। ट्रेनों में सघन जांच अभियान के दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 3 पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की बोगी संख्या S2 के शौचालय के पास जीआरपी ने लावाड़ी अवस्था में 2 बैग बरामद किया। तलाशी के दौरान उस बैग से शराब की बोतलें बरामद हुई। एक बैग में रॉयल चैलेंज विस्की की 24 बोतल तथा दूसरे बैग में इंपीरियल ब्लू विस्की की 18 बोतलें बरामद हुई है। मामले में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम अज्ञात के विरुद्ध रेल थाना मुजफ्फरपुर में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी ASI राकेश रोशन ने दी है। यहाँ अक्सर गाड़ी से पकड़ाता रहता है। छापामारी के दौरान कल हमारे पुलिस बल के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में गहन छानबीन छापामारी के दौरान S2 में शौचालय के पास 2 बैग मिला, जो संदिग्ध हालत में देखने के बाद उसमें चेक चाक करने के दौरान पता चला कि इसमें शराब है। बाद में मौके वारदात पर उसका जब्ती बना, जिसमें 2 अलग अलग ब्रांड के मोटा मोटी 35 बोतल के आसपास था। गिरफ्तारी के लिए काफ़ी गहन छानबीन किया गया, छापामारी किया गया, लेकिन इतने लोगों को भीड़ में बड़ा मुश्किल हो जाता है जो किसी को पकड़ कर जेल भेज दे। जब तक वो आदमी सकार नहीं लेता है, किसको इतना आदमी के बीच पकड़ कर भेजा जाएगा। पुलिस की मजबूरी है चेक चाक करना, पकड़ना, और उसका ड्यूटी भी है, और किसी को जबरन तो पकड़ नहीं सकते हैं। कौन सा ब्रांड है बता सकते हैं? उसमें 24 बोतल रॉयल चैलेंज था और 18 बोतल इंपीरियल ब्लू था। 2 अलग अलग ब्रांड था। हम ASI राकेश रोशन वर्तमान में रेल थाना मुजफ्फरपुर में कार्यरत हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।